जय जय सियाराम। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं रामायण के सीरियल से जुड़ा हुआ कुछ बातें। रामायण सीरियल भारतीय जनमानस से जुड़ा हुआ इतना बेहतरीन सीरियल है कि जिसे हर कोई हर समय वो देखना चाहता है, सुनना चाहता है। रामायण चाहे आप जितनी बार देख लें, आपका जी कभी नहीं भरता। वो भी रामायण जिसमें अरुण गोविल और दीपिका जी ने जिसे एक्ट किया है, और वो रामानंद सागर जी का। तो एक बार प्रेम से बोलें जय जय सियाराम। आज हम इस वीडियो में लेकर आए हैं कि रामायण में उस समय जो लोग काम कर रहे थे, जो भी कलाकार थे, उनको कितना मिलता था, कितना मेहताना मिला था। बात करते हैं मंदोदरी से, शुरुआत करते हैं। मंदोदरी रावण की धर्मपत्नी थी। इसका रोल एक्ट की थी अपराजिता जी ने। इनको इस काम के लिए 1.5 लाख रुपया मिला था। दशरथ का रोल किया था बालधुरी जी ने। अब बालधुरी जी को इस काम के लिए मिला था 2.5 लाख रुपया। बहुत ही बेहतरीन रोल था बालधुरी जी का। बालधुरी जी ऐसे भी एक बहुत ही बेहतरीन कलाकार रहे हैं, और इनकी आवाज़ में वो कशक है जिसे हर कोई सुनना और जानना चाहता है। अब बात करते हैं मेघनाथ का। मेघनाथ का रोल किया था विजय अरोड़ा ने। इन्हें इस काम के लिए मिला था 4 लाख रुपया। उसके बाद अंगद का रोल किया था वसीर खान ने। इस रोल के लिए इनको मिला था 7 लाख रुपया। उसके बाद बात करते हैं सुग्रीव का। सुग्रीव का रोल किया था श्याम सुंदर जी ने, और इस रोल के लिए इनको मिला था 11 लाख रुपया। उसके बाद बात करते हैं लक्ष्मण का। लक्ष्मण का रोल किया था सुनील लहरी ने। बहुत बेहतरीन रोल था, और सुनील लहरी को इस काम के लिए मिला था 18 लाख रुपया। सुनील लहरी का जो आवाज़ था और उनका चेहरे का जो एक्शन था वो गजब का था, और हमेशा लोग उस चीज़ को याद रखना चाहेंगे कि वो सीन बार बार आए उनके जहन में और वो देखें। और यही जो चीज़ है रामायण का, जिसे लोग देखना चाहते हैं। उसके बाद सीता माता का रोल की थी दीपिका जी ने। उनको इस काम के लिए मिला था 20 लाख रुपया। दीपिका जी बहुत ही बेहतरीन भोजपुरी एक्टर भी थी, और बहुत ही बेहतरीन काम की थी। उसके बाद बात करते हैं रावण का। रावण का रोल किए थे अरविंद त्रिवेणी जी ने। अरविंद त्रिवेणी जी को इस काम के लिए मिला था 30 लाख रुपया। उसके बाद बात करते हैं हनुमान का। हनुमान का रोल किए थे दारा सिंह जी ने। दारा सिंह जी को इस काम के लिए मिला था 35 लाख रुपया। हनुमान का जो रोल दारा सिंह जी ने किया, वो बहुत ही बेहतरीन रोल में से एक था। आज तक जितने भी सीरियल बना है, ऐसा कोई नहीं कर पाया, और बिल्कुल अपने अभिनय का 100% उन्होंने देने का प्रयास किया। इसलिए प्रेम से बोलिए जय जय सियाराम, जय हनुमान। हनुमान अजर अमर अविनाशी हैं, और ये हमेशा सभी जगह सर्वशक्तिमान हैं, और ये मंगल मूर्ति हैं, मंगलकर्ता हैं, सभी दुखों को नाश करने वाले हैं ये हनुमान। तो आइए हनुमान जी को हमेशा ध्यान करें, और भगवान हनुमान जो हैं, भगवान राम जो हैं, वो आपका कल्याण करें। अब बात करते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का। इसका रोल किया था अरुण गोविल जी ने। अरुण गोविल जी को इस काम के लिए मिला था 40 लाख रुपया। और राम का जो रोल अरुण गोविल जी ने जो कर दिया, वो किसी अन्य कलाकार के लिए वो दुर्लभ है। कारण कि उस समय जो रामायण में जो काम किए थे लोग, वो ये सोचे भी नहीं थे कि इस काम को वो इतना अंजाम बेहतर तरीके से दे सकेंगे। लेकिन इतना बेहतर तरीके से उन्होंने अंजाम दिया, जिसका परिणाम ये हुआ कि आज पूरा लोग जो है इस फिल्म को बनाना चाहते हैं, रामायण पर फिल्में बनाना चाहते हैं, रामायण पर सीरियल बनाना चाहते हैं। पर वो बात नहीं हो पा रही है जो रामानंद सागर के द्वारा रामायण को एक्ट किया गया था, रामायण को दिखलाया गया था। और उस समय भी ऐसे समय में जब संसाधनों का बहुत ही कमी थी, उस समय इतने डेवलप नहीं था सारा कुछ, और उस समय में इतना बेहतरीन और कम पैसा में काफ़ी बेहतर काम करके जो इन्होंने दिया कलाकारों ने, और रामानंद सागर ने जो कलाकारों का चयन किया और उसका जो थीम बनाया, वो वाकई काबिल तारीफ है। तो दोस्तों, इस तरह का जानकारी के लिए आप हमारे संजीत सिंह ब्लॉग पर बने रहें। यह एक पारिवारिक चैनल है, यहाँ आपको इसी तरह का वीडियो मिलेगा। सर, अगर आपसे एक रिक्वेस्ट, अगर आप नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद सर।